चलो ठीक है, ग्रेट यार, ओके। लाइव सेशन जो है अपना स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना जो सेल वाला चैप्टर है, ये सेल वाला चैप्टर हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। और कल अपना जो सेल साइकिल होगा वो वाला चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे 5 बजे ही, एग्जैक्टली राइट। तो आज फटाफट से इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को जो बताना चाहूँगी, दैट इज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, रक्षिता सिंह, ताकि आप लोग को जितनी भी PDFs हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, वो सभी के सभी अपडेट्स आप लोग को वहाँ पर मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, देखो जैसे ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, मैं ये नोट्स कुछ बना रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऐसे कुछ नोट्स बन रहे हैं, तो इस तरीके से काफ़ी कुछ काम जो है वो चल रहा है, जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा और बेटर किया जाएगा। काफ़ी अच्छे से चैप्टर को करवाया जाएगा, फिर तुम लोग जैसे ही बोलोगे जैसे चैप्टर को करवाना है उसी तरीके से करवा दिया जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर मैंने ऊपर NCERT किया है एंड नीचे मैंने नोट्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है, राइट। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की है, तो ये चीज़ हम लोग के पास यहाँ पर हो गई। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर रहे हों। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है रक्षिता सिंह, राइट। ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया क्या, अब हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक कर दिया वीडियो को, चुन्नू मुन्नुओं के साथ शेयर कर दिया इधर उधर। अगर और कुछ चुन्नू मुन्नू लोग हैं तो प्लीज़ उन चुन्नू मुन्नू लोगों के साथ भी शेयर कर दो यार, और फटाफट से ये भी वो कर दो, ठीक है, डन, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं यार। सचाच करते हैं अब, सिचाच करते हैं, सचाच करते हैं अब, ठीक है, ओके जी। सेल वाला चैप्टर जो है, ये चैप्टर पहले इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग के पास यहाँ पर है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सभी लोगों को, तुम लोगों को पता है कि हम पूरे के पूरे जितनी भी हम ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग के पास वहाँ पर क्या है, हमारे पास वहाँ पर है सिंगल सेल, तो उसको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है, हम लोगों के पास एक सेल है, एक सेल का मतलब क्या हुआ, यूनिसेल्युलर उनको बोला जाएगा। काफी सारे सेल्स होंगे, मैनी सेल्स, तो उनको क्या बोला जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम लोग के पास होते हैं वो सबसे पहली बात वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं। अगर सिंगल सेल प्रेजेंट है तो उनको कहेंगे यूनिसेलुलर, और काफी सारे सेल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे तो उनको क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। तो दो टर्म्स हो गए, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब ये सेल होता क्या है, मैंने क्या बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग के पास यहां पर हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मान लो मैं मेरी पूरी बॉडी है या फिर जिसकी भी पूरी बॉडी है, वो किससे मिलकर बनी होती है, वो हम लोगों के पास सेल से मिलकर बनी होती है। तो व्हाट अ सेल इज, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेरा जो स्ट्रक्चर है, मेरी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो सेल की वजह से हो रहे हैं। तो सेल क्या होता है, सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, राइट, ओके जी। तो सबसे पहली बात, हम लोगों की जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। अगर एक सेल होगा तो यूनिसेलुलर, अगर काफी सारे सेल होंगे तो मल्टी सेलुलर, चलो ठीक है जी। अब सेल हमारे पास क्या होगा, सेल ने ही मेरे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रखा है, सेल ही मेरी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फंक्शंस करवा रहा है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल, ठीक है जी, ठीक है, ओके फाइन। तो सबसे पहली बार सेल देखा किसने और सेल को डिस्क्राइब किया किसने, एंटोन वॉन लेवेनहॉक, वॉन
ले भाई, ले भाई, ली ली वन हुक, ली वन, इनके वैसे लिवन हुक है तो समथिंग तुम लोग कैसे याद रख सकते हो, इनके नाम में ही हर जगह वन वन, एंटोन वन, ले वेन, फिर से हम लोग क्या कर गए, फिर से हम लोग जीत गए, एंटोन वेन लिवन हुक, उन्होंने ऐसा काटा फसाया, सबसे पहले ही एक लाइव सेल को देखा और उसके बारे में डिस्क्राइब किया, ओके, फिर क्या देखा, उसके अंदर एक अपने अपने ब्राउन भाई साहब ने, रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने न्यूक्लियस को देखा, तो सबसे पहली बात सेल को किसने देखा, एंटोन वेन लिवेनहुक, सबसे पहले जो सेल के बारे में बताएगा वो तो जीतेगा ही भाई, जिंदगी के अंदर अच्छा तो कर ही रहा है वो, सबसे पहले उसने लाइव सेल को डिस्क्राइब कर दिया, तो हम लोग के पास यहां पर क्या हुआ, एंटोन वेन लिवेनहुक ने सबसे पहले देखा और एक लाइव सेल को डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट ब्राउन ने अपने पास क्या डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में डिस्क्राइब किया, तो सेल क्या होता है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहली बात हम लोगों का जो लाइव सेल है उसको सबसे पहले एंटोन वेन लिवेनहुक ने देखा और उसके बारे में डिस्क्राइब किया, न्यूक्लियस किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, चलो ठीक है, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या-क्या कर सकते हैं, अगर एक ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है, उसका सिर्फ एक सेल है, अगर उसके अंदर सिर्फ एक सेल है तो इसका मतलब वो बॉडी के सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है और वो उसके बावजूद भी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए सिर्फ एक सेल का ऑर्गेनिज्म भी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी, जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं लाइफ के अंदर, सभी के सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो तभी तो बना जब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर पा रहा है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, सभी के सभी लाइफ के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये भी चीज हम लोग के पास डन, सबसे पहले यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, उसके बाद यूनिसेलुलर क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और जिंदगी के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकता है, और सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो अपने पास एंटोन वेन लिवेनहुक है, उन्होंने सबसे पहले देखा और एक लाइव सेल को डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, राइट, तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, बेसिक चीजें यहां पर हो गई, नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, नेक्स्ट इज द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी हम लोग के पास क्या कहती है, मतलब सेल से रिलेटेड कोई ना कोई थ्योरी देंगे, सीधी सी बात है, इतना तो अपने को आइडिया आ ही रहा है, ओके जी, तो क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर बने होते हैं, वो सेल क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, तो ये अपने पास क्या हो गई, एक सेल की थ्योरी ही तो हो गई, मैंने आपको क्या बोला यहां पर, सेल थ्योरी, कोई ना कोई थ्योरी यहां पर दे रहे होंगे, तो दे दिया थ्योरी, क्या थ्योरी दिया, कि जितने भी अपने प्लांट्स हैं वो अलग अलग सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, ये किसने बोला यहां पर, मैल्थियस स्क्लिडन ने 1838 के अंदर, तो इन 1838 मैल्थियस स्क्लिडन जो हम लोग के पास थे उन्होंने इस चीज के बारे में बोला, क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स हम लोग के पास हैं वो अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, इन्होंने किसके बारे में बात की है, इन्होंने सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात की है, चलो ठीक है जी, तो अब जब हम कह रहे हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स सेल से ही मिलकर बने होते हैं, तो थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में भी बता लेते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स जो हम लोग के पास होते हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल सेल्स, एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर दैट इज टूडे नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अलग अलग तरीके के एनिमल सेल्स पर काम किया और उसके ऊपर अपने पास जो लेयर होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में भी बताया थियोडोर स्क्वैन ने 1839 के ऊपर, स्क्लीडन के जस्ट बाद स्क्वैन भाई साहब, ठीक है, उनको क्या हुआ 1838 में इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है यही काम है, एनिमल्स के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा उनसे ज्यादा डिस्कवरी कर देता हूँ, थोड़ी सी ज्यादा क्या कर दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लोग मुझे भी जानना स्टार्ट कर देंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने
एनिमल्स के ऊपर कर दिया। तो अपने पास सेल थ्योरी क्या क्या हो गई, फर्स्ट सेल थ्योरी किसने दी, स्क्लिडन ने दी। स्क्लिडन ने क्या किया, जितने भी प्लांट्स हम लोग के पास होते हैं वो अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर बने होते हैं, वो सेल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वो सेल कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं। चलो ठीक है जी, इधर अपने पास यहाँ पर क्या है, थियोडोर स्क्वान, कब, 1839 के अंदर। ये क्या है, अलग अलग तरीके के एनिमल सेल्स, और उन्होंने किसके बारे में यहाँ पर बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पर बताया। ठीक है जी, ओके। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इन्होंने बताया तो इनको क्या लगा यहाँ पर कि इसका मतलब अगर एनिमल्स के ऊपर एक कोई लेयर है तो प्लांट्स के ऊपर भी मिल सकती है, तो उनके ऊपर भी डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दिया। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इन्होंने इतना तो एनिमल्स के ऊपर डिस्कवर किया ही था, इन्होंने बोला कि अच्छा चलो एनिमल्स के ऊपर मैंने एक लेयर निकाल दी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर कर दिया, तो प्लांट्स के ऊपर भी कुछ करके देख लेता हूँ। उन्होंने प्लांट्स के ऊपर करके देखा तो वहां पे उन लोग को क्या मिल गई, वहां पे उनको मिल गई, वहां पे सेल वॉल मिल गई। तो फिर फाइनली उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज हैं वो सेल एंड उनके पार्ट्स से मिलकर बनी हुई हैं। किससे मिलकर बनी हुई हैं, सेल एंड पार्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल, सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई हैं। तो कहानी कुछ ऐसे हुई, कहानी एक बार थोड़ी सी आप लोग को समझा देते हैं। एक कौन थे, एक थे हम लोगों के पास मैल्थियस स्क्लिडन और दूसरे थे अपने पास स्क्वान। तो एक अपने पास क्या थे, स्क्लिडन भाई साहब थे, दूसरे कौन थे, स्क्वान भाई साहब थे। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों भाई साहबों को क्या हुआ, सबसे पहले अपने स्क्लिडन भाई साहब ने क्या करना स्टार्ट किया, प्लांट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। और जब इन प्लांट्स को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने बोला अरे ये प्लांट्स तो सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, और ये सेल्स मिलकर किस चीज़ की फॉर्मेशन कर रहे हैं, टिश्यूज की फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर अपने स्क्वान भाई साहब ने बोला, 1838 के अंदर इन्होंने ऐसा किया। स्क्वान भाई साहब ने बोला ओहो मैं तो पीछे रह गया, अब इसने प्लांट्स के ऊपर कर दिया, मैं सेम चीज़ क्या करता हूँ, एनिमल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन अब इंटेलिजेंट तो ये थे ही, एनिमल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो इन्होंने साथ में किस चीज के बारे में भी बता दिया, इन्होंने साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी बता दिया। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया। अब इनको आ गया कॉन्फिडेंस कि मैंने सिर्फ एनिमल्स के ऊपर डिस्कवरी का, इसने प्लांट्स के बारे अंदर सिर्फ सेल के बारे में बताया था, मैं यहां पर डिस्कवरी करने लगा तो मैंने तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और बता दिया, अब मैं एक काम करता हूं थोड़ा सा प्लांट्स के ऊपर भी तो ऐसी ही कोई मेम्ब्रेन मिल सकती है, उसकी स्टडी कर लेता हूं। उसकी स्टडी करी तो उनको क्या मिल गया, उनको मिल गया सेल वॉल। ओके, तो अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने बोला कि हम लोगों के जो प्लांट और एनिमल हैं वो सेल एंड उनके प्रोडक्ट्स से मिलकर यहां पर बने हुए होते हैं। तो अपने स्क्वान भाई साहब ने सिर्फ चीजों को शुरू किया, सिर्फ प्लांट को बोला कि जो प्लांट हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। स्क्वान भाई साहब ने क्या किया, सबसे पहले वही चीज एनिमल्स के ऊपर करना स्टार्ट किया, उनको काफी अच्छा वो हाथ लगा, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पर हाथ लग गई, वही डिस्कवरी उन्होंने प्लांट्स के ऊपर करनी स्टार्ट कर दी, उनको सेल वॉल हाथ लग गई। अब उन्होंने क्या सोचा कि अपने स्क्लिडन भाई साहब की और मेरी दोनों की थ्योरी को कंबाइन करके बोल देता हूं कि जो प्लांट्स थे वो भी सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने थे, और जो एनिमल्स थे वो भी सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने थे। तो ये हम लोगों के पास दोनों की थ्योरी यहां पर हो गई, स्क्लिडन की एंड स्क्वान की। आई गेस आप लोगों को दोनों चीजें यहां पर समझ आ गई होंगी, राइट? तो स्क्लिडन एंड स्क्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो फाइनली अपने पास जो ये सेल थ्योरी बनी, ये दोनों ने कंबाइन होकर यहां पर बता दी। इसका मतलब इन्होंने क्या बता दिया कि जो भी अपने पास बॉडी के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, ये तो उन्होंने बता दिया, सेल्स और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये बता पाए कि न्यू सेल्स कैसे बन रहे हैं? अगर मैं आप लोगों को ये लाइन यहां पर आकर बोल दूं सिर्फ और सिर्फ कि ऑल द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स इन द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, क्या इन लाइन से आप लोगों को पता चल रहा है कि हम लोगों के पास न्यू सेल्स कैसे बनेंगे? इसका मतलब ये हम लोगों को न्यू सेल्स कैसे बनेंगे उस चीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आई गेस आप लोगों को सेल की थ्योरी की कहानी समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले स्क्लिडन ने प्लांट के ऊपर, इसने क्या किया एनिमल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हम लोग के पास यहाँ पर सेल वॉल, दोनों ने क्या किया अपनी थ्योरी को यहाँ पर क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। लेकिन वो हम लोग को क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि नए सेल्स किससे मिलकर बने होते हैं। सो दिस वॉज आवर सेल थ्योरी। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है।
किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। डन। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अपने पास यहां पर क्या था, रुडोल्फ विर्चाओ 1855 के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला ओहो ऐसे तो सेल थ्योरी के अंदर क्या हो गई, सेल थ्योरी के अंदर गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मॉडिफाई करता हूँ। तो रुडोल्फ विर्चाओ ने क्या किया, सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। चलो ठीक है जी, सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर देते हैं। तो सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने क्या बोला कि जो सेल हैं वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अपने को पता चल गया कि नए सेल कैसे बन रहे हैं। अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर बात करूं, तुमने बोला कि तेरी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, तेरे पास में जो पौधा है उसकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसे तो बता दो नए सेल कैसे बने। तो उनने बोला हमें तो नहीं पता। फिर अपने पास विरचाओ भाई साहब यहाँ पर आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, हम बताते हैं जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी सेल्स हैं उनसे ही क्या होंगे, उनसे ही नए सेल्स की फॉर्मेशन होगी। तो सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से नए सेल्स बनेंगे, राइट। सो मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडन एंड स्क्वान। स्क्लेडन एंड स्क्वान के हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो फाइनल शेप अपने को इसने क्या, रुडोल्फ विर्चाओ ने ही सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये तो ऑलरेडी अपने पास स्क्लेडन और स्क्वान बता चुके थे। इसने क्या ऐड कर दिया, इसने ऐड कर दिया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नए सेल हैं, जो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, सिर्फ उस चीज के बारे में अपने विरचाओ भाई साहब ने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब सेल का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या होता है सेल के अंदर, क्या नहीं होता है सेल के अंदर। चलिए सबसे पहली बात, यहां पर क्या होता है, इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक, नए जमाने का। अगर वो एब्सेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक, जो पहले वाले जमाने में होता था, ठीक है। कैसे याद रखोगे, न्यूक्लियस इसको काइंड ऑफ ना कैरियो, मैं हमेशा इसको ऐसे याद रखती थी, कैरियो, कैरियन, राइट, कैरियन तुम लोगों को पता ही है। तो अगर अपने पास ये प्रेजेंट है वहां पर, तो यू, यस यू, ऊ, अरे ऊ रहा कैरियो, ऊ रहा कैरियो, तो यू कैरियोटिक। अगर प्रेजेंट नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, अगर वो एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक। तो अगर अपने पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट इज यूकैरियोटिक, अगर एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और क्या होता है, सबको पता है यार, ये अपने पास यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, एक अपना साइटोप्लाज्म, दैट इज द मेन एरिया ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जितनी भी मेन सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वहां पर ही होता है। काफी सारे केमिकल रिएक्शंस भी अपने पास लिविंग स्टेट में अपने आप को रखने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे होते हैं। इस पेज में तो मुझे कुछ भी याद करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता होता है यार क्या होता है, एक तो अपने पास क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अगर मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अपने पास होता है, अगर वो प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक, एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये अपने पास क्या है, यहां पर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे रिएक्शंस हम लोग के पास हो रहे होते हैं, अगर हम लोग को यहां पर जिंदा रहना है तो। चलो ठीक है, इस पेज में कुछ भी याद करवाने जैसा नहीं है। और क्या-क्या हम लोग के पास होती है, और भी काफी सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन होती हैं, क्या क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, काफी सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हम लोगों के पास अगर प्रेजेंट हो तो सेल को क्या बोला जाएगा, वही जो अपना यहां पर यूकैरियोटिक बोला गया था। अगर ये एब्सेंट होंगी तो इनको क्या बोला जाएगा, इनको प्रोकैरियोटिक बोला जाएगा। दैट्स इट। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सभी यहां पर प्रेजेंट होंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, यूकैरियोटिक। अगर ये सभी यहां पर एब्सेंट होंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रोकैरियोटिक बोला जाएगा।
इस चीज़ के बारे में सभी लोग को पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ लिया है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ लिया है, इतने इतने चैप्टर्स पढ़ लिया, अब सबको ये तो एटलीस्ट पता ही होगा ना यार, अब 12वीं के कगार पे आ गए हो, नीट देने वाले हो गए, तो इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि क्या साइटोप्लाज्म होता है, क्या न्यूक्लियस होता है, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, राइट। तो अगर प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक, अगर एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक हम लोग के पास हो गया। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हम लोग के पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं सभी सेल्स के अंदर, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो। राइबोसोम्स हम लोग के पास क्या होती हैं, दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बात की थी, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स के बारे में बात कर रही हूँ, राइट। सो कहाँ पर मिलती हैं, प्लांट्स के अंदर बात करें तो उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलती हैं, और माइटो अगर उसके अंदर बात करें, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो फाउंड विद इन क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स हम लोग के पास क्या होता है, चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं, ये सभी के सभी क्या हो गई, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, अगर ये प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक, एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम्स हम लोग के पास क्या होते हैं, दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल द सेल्स, इधर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। राइबोसोम्स मिलते कहां पर हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं तो पता है इन माइटोकॉन्ड्रिया कहते ही, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही हमेशा मुझे पता है क्या याद आता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते ही मुझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद आता है। ये दोनों चीज़ें ना ऑलमोस्ट हमेशा साथ साथ होती हैं। जब MBBS में भी आ जाओगे ना, तब भी अगर तुम लोग को पूछा जाएगा ना, जैसे पैथो पढ़ोगे तो पैथो के अंदर भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा सेल इंजरी होने के कौन कौन से उनके अंदर चांसेस हैं, तो अपने पास सेल इंजरी सबसे ज़्यादा इन्हीं के अंदर चांसेस हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के अंदर, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल इंजरी क्यों पढ़ा रही हूं मैं तुम लोगों को, चलो छोड़ो छोड़ो, ठीक है। तो अपने पास यहां पर क्या हो गया, राइबोसोम जो होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज अपने पास होती हैं। प्लांट्स के अंदर जो हो गए हम लोग के पास, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया कहते ही मुझे क्या याद आता है, मुझे याद आता है हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर हो गया राइबोसोम्स, ओके। तो एनिमल सेल्स हम लोगों के पास क्या कंटेन करते हैं, अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिनको क्या बोला जाता है, सेंट्रियोल बोला जाता है। वन बाय वन करके यहां पर याद करते जाते हैं, एक डिफरेंट पेज अपन यहां पर बना लेते हैं यार, ठीक है। सबसे पहले मैंने किसके बारे में यहां पर बात की है, सबसे पहले मैंने यहां पर बात की राइबोसोम्स के बारे में, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। यहां इस पेज के अंदर ना सभी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड के बारे में ही बात करते हैं, इस पेज में सभी के सभी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं अपने पास, हम लोगों के पास, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्लोरोप्लास्ट में, चलो ठीक है जी। उसके बाद दूसरा अपने पास राइबोसोम्स हो गया। राइबोसोम्स के बाद एनिमल्स की अगर बात करूँ तो एनिमल्स के अंदर क्या हो गए, सेंट्रियोल्स हो गए। तो सेंट्रियोल्स पता है आप लोगों को, सेल डिवीजन चैप्टर जब तुम लोग को पढ़ाऊंगी ना, सेंट्रियोल पढ़ाऊंगी, बहुत ज्यादा सेंट्रियोल सेंट्रियोल करेंगे। कल अपन पढ़ेंगे सेल डिवीजन चैप्टर, तो सेल डिवीजन चैप्टर के अंदर सेंट्रियोल के बारे में पढ़ रहे होंगे। सो विच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, सो एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रियोल विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, जो कि किसके अंदर हेल्प करता है, सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है। तो सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज, ये तो तुम लोग को पता है। अब मान लो मेरा हाथ है, मेरा कान है, मेरा नाक है, मेरे पैरों के अंदर, हर जगह पर अलग अलग साइज होगी सेल्स की, अलग अलग शेप होगी, हर जगह पर अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अपने पास क्या है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा मेरा प्लाज्मा, मैं चुन्नू सी हूं, छोटी सी हूं, तो अपने वो क्या है, स्मॉलेस्ट सेल अपने पास है, याद करने का तरीका हो गया माइकोप्लाज्मा मेरा प्लाज्मा। प्लाज्मा तो सेल से भी छोटा सा हो गया बिल्कुल, ठीक है। वैसे ही तुम लोग को याद करने के लिए है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा नाम याद करने के लिए बता रही हूँ, माइकोप्लाज्मा मेरा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा तो सेल भी नहीं है, पूरा चिन्नू सा प्लाज्मा। तो स्मॉलेस्ट सेल अपने पास होता है, जो कि कितना होता है हम लोग के पास,
0.3 नैनोमीटर, सिर्फ इतना लेंथ अपने पास होता है। बैक्टीरिया भी 3 से 5 नैनोमीटर का होता है। माइकोप्लाज्मा अपना छोटा, सोचो एक चिन्नू सा बैक्टीरिया इतना छोटा सा होता है, उससे भी कितना छोटा है, कम से कम एक बैक्टीरिया ही 3 से 5 नैनोमीटर का है। ये सेल तो बिल्कुल ही 0.3 नैनोमीटर का है। तुमने इमेजिन करके देखा है अपनी बॉडी के अंदर कितना निक्कू सा चिन्नू सा ये सेल अपने पास यहाँ पर है, ठीक है? तो तुम लोग एक बार सोच के, अपनी बॉडी के अंदर तो कहाँ से आ गया, कुछ भी बोल रही हूँ मैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है, ये गलती से निकल गया, राइट। तो माइकोप्लाज्मा जो हम लोग के पास यहाँ पर है, ये कितना छोटू सा चिन्नू सा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल हम लोग के पास है। क्या उसका एग्जिस्टेंस इवन मैटर भी करता है? इतना छोटा सा हम लोग के पास है, राइट। तो ये क्या हो गया, जबकि बैक्टीरिया भी कितना होता है, 3 से 5 नैनोमीटर का हम लोग के पास होता है। अगर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल के बारे में बात किया जाए तो वो क्या, कौन है हम लोग के पास, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच इतना बड़ा होता है, उसका जो एग होता है वो सबसे बड़ा, एक सिंगल सेल ही तो हुआ ना, एग है ना, अभी एग है तो वो क्या हो गया, एक सिंगल सेल हुआ हम लोग के पास। तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है, ऑस्ट्रिच का। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो ह्यूमन, जो हम लोग के पास ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 माइक्रोमीटर के। मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर जो 3 से 5 नैनोमीटर का एक बैक्टीरिया हम लोग के पास होता है, उससे थोड़े से बड़े। और नर्व सेल्स जो होते हैं, नर्व्स हम लोग को सारी बॉडी में कॉन्टैक्ट पहुंचाना है नर्व्स के थ्रू, तो जो नर्व सेल्स हम लोग के पास होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, सब सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स में से हम लोग के पास यहाँ पर होते हैं। तो कहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी, हमने बात स्टार्ट की थी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज के साथ। कौन कौन सी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती हैं, राइबोसोम हम लोग के पास होते हैं, जो कि किसके ऊपर मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म। दूसरा अपने पास क्या हो गया, दूसरा हम लोग के पास यहाँ पर हो गए सेंट्रियोल्स, चलो बहुत अच्छी बात है। देन हम लोग सेंट्रियोल्स किसके अंदर हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में, ये भी हमको पता है। अब हम लोग यहाँ पे शेप साइज के बारे में बात कर रहे थे, किस किस के बारे में बात कर रहे थे, शेप साइज की थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं शेप साइज के बारे में थोड़ा सा, ठीक है? तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की थी, सबसे पहले यहाँ पर हमने बात की थी माइकोप्लाज्मा के बारे में, जो कि 0.3 से लेकर सिर्फ और 0.3 हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 0.3 नैनोमीटर उसकी लेंथ थी। फिर बैक्टीरिया के बारे में अपन ने यहां पर बात की थी, तो माइकोप्लाज्म के कितना है, 0.3 नैनोमीटर। फिर कौन है हम लोगों के पास, फिर हम लोग के पास वहां पर आएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी कितना होता है, 3 से 5 नैनोमीटर। तीसरा अपने पास क्या आएंगे, आरबीसी कितने हैं, 7 नैनोमीटर। फिर फोर्थ अगर बात करूं, सबसे ये कौन सा है, ये हम लोग के पास सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। अगर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल के बारे में बात करूं तो वो कौन है, एग, किसका, ऑस्ट्रिच के एग की बात करूं तो वो क्या है हम लोगों के पास, वो हमारे पास यहाँ पर लार्जेस्ट है। उसके बाद अपने पास और क्या था, ह्यूमंस के अंदर बात करें तो नर्व हम लोग के पास यहाँ पर क्या हो गया, जो नर्व सेल हम लोग के पास यहाँ पर है वो क्या होते हैं, वो यहाँ पर ह्यूमन के अंदर लार्जेस्ट होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर वो हम लोग के पास यहाँ पर लार्जेस्ट हो गए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, ये अपने पास माइकोप्लाज्मा 0.3 नैनोमीटर, देन हम लोग के पास क्या हो गया, बैक्टीरिया 3 to 5 नैनो, सिंगल आइसोलेटेड सेल कौन सा हो गया हम लोग के पास, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल कितने होते हैं, 7, और नर्व सेल अपने पास क्या होते हैं, सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। तो जितने भी सेल के बारे में यहां पर बात की गई है, सेंट्रियोल के बारे में बात की गई है, राइबोसोम्स के बारे में बात की गई है, वो मैंने यहां पर आप लोगों को आइसोलेट कर दिया है, ये मैं लिख भी देती हूं, अगर किसी को ऐसे भी लिखना है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? ये लो, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ये स्क्रीनशॉट ले सकता है। सबसे पहले नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज कौन कौन सी हो गई हम लोग के पास, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या हो गया, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती है, कहां कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। दूसरा अपने पास क्या हो गया, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किसके अंदर रोल प्ले करता है, सेल डिवीजन के अंदर रोल प्ले करता है, चलो बहुत अच्छी बात है। ये दोनों की दोनों क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी को लेना है तो, चलो ले लिया, चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, अपना सेल जो होता है साइज शेप वगैरह के अंदर बहुत डिफर करता रहता है। तो माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट, और नर्व सेल लार्जेस्ट ह्यूमन के अंदर।
लॉन्गेस्ट होगा, है ना, यही मैं सोच रही थी, लार्जेस्ट नहीं होगा, लॉन्गेस्ट होगा। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो इसीलिए प्लीज माइंड इट, आप लोग इसको लॉन्गेस्ट कर लें। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, इससे पहले मत लेना, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना। ले लिया, आगे बढ़ जाऊं? क्या हो गया? डन। अरे छोटे मोटे ह्यूमन एरर होते रहते हैं, कई बार हो जाता है, वो कॉपरेट कर लिया करो थोड़ा बहुत। डन जी, हो गया याद? चलो बहुत अच्छी बात है, ये हम लोग का यहाँ पर चैप्टर कवर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया? अरे ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया रेड ब्लड सेल, ये हो गई वाइट ब्लड सेल। चलो याद करा देते हैं, इनको भी याद करा देते हैं यार। चलो देखो, सबसे पहले ये क्या हो गया, नर्व सेल। साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है ये नर्व सेल्स हैं, साफ साफ सभी लोगों को दिख रहा है नर्व सेल्स हम लोग के पास है, ठीक है, ओके। ये क्या है, ये हम लोग के पास, देखो साफ साफ तुम लोग को दिख रहा है, ऑलरेडी एनाटॉमी वाला चैप्टर भी पढ़ोगे तो वहां पे भी मैं तुम लोग को करवा दूंगी। ये अपने पास क्या हो गया, एक ट्रैकीड अपने पास हो गया। दूसरा अपने पास ये क्या हो गए, मीजोफिल सेल्स हम लोगों के पास यहाँ पर हो गए, ये अपने मीजोफिल सेल्स। ये क्या है, रेड ब्लड सेल, थोड़े फूले फूले से अपने पास रेड ब्लड सेल हो गए। ये क्या हो गया, अंदर से पिचकू 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 पिचकू, तो वो अपने पास क्या हो गए, व्हाइट ब्लड सेल हम लोग के पास हो गए, ठीक है। ये हम लोग के पास क्या हो गए, व्हाइट ब्लड सेल हो गए। और उसके बाद फाइनली अपने पास क्या है, कॉल्यूमनर एपिथेलियल, कॉलम जैसे लग रहे हैं, कॉलम जैसे, तो वो क्या हो गए हम लोग के पास, कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स। तो अपने पास क्या क्या हो गया यार, यहाँ पे एक हो गए नर्व सेल्स, दूसरे क्या हो गए, ट्रैकिड्स हम लोग के पास, ये क्या हो गए, मीजोफिल सेल्स, कॉलम जैसे, कॉल्यूमनर सेल्स, अंदर वाले व्हाइट ब्लड, एंड दीज आर आरबीसी, ठीक है, ओके। चलो अब वन बाय वन करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, फिर यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर लेंगे। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो दीज लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। पहले के जमाने में प्रोकैरियोटिक, जहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती थी, कौन सी चीजें होती थी, बैक्टीरिया होता था, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये चिन्नू मिन्नू सी चीजें पुराने प्रोकैरियोटिक के अंदर होती थी। आज के जमाने में जो तुम लोगों को ज्यादा चीजें दिखती हैं उनको सीधा सा यूकैरियोटिक के अंदर इंक्लूड कर देना, जो बहुत पुराने जमाने की थी, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब क्या हो गए, ये सब प्रोकैरियोटिक हो गए। तो ये क्या हो गए, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर आपने पूरा मस्त तरीके से पढ़ा है और वहां पे आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, इधर से उधर अपना डीएनए इधर उधर लिंक करते हैं, इससे उधर भेजते हैं, उससे उधर भेजते हैं, पता है ना तुम लोगों को, एक कौन सा अपने पास प्लाज्मिड की जरूरत हम लोग को होती है। देखो यार तुम बच्चे तो अब नहीं बचे हो, ठीक है, 2021 का एग्जाम देने वाले हो तो तुम बायोटेक सभी लोग पढ़ के यहाँ पे बैठे हुए, सबको पता है कि प्लाज्मिड क्या होता है, सबको पता है कि वहां पर अपने पास जीनोमिक डीएनए के अलावा भी बाहर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए अपने पास, स्मॉल सर्कुलर डीएनए अपने पास प्रेजेंट होता था, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्लाज्मिड। तो इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के एडिशन में एक और स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जीनोमिक डीएनए के बाहर, और उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ठीक है। और प्लाज्मिड क्या करते हैं, क्या दी प्लाज्मिड का भी कोई रोल होता है? वैसे तो डीएनए की वजह से हम लोगों को अपने जितने भी कैरेक्टर्स मेरे अंदर है, मेरी नाक ऐसी है, मेरे लिप्स ऐसे हैं, तो जितने भी कैरेक्टर्स मेरी बॉडी के अंदर है वो कहीं ना कहीं मेरे डीएनए की वजह से ही है, ठीक है। तो क्या प्लाज्मिड का भी कोई ना कोई रोल होता है? तो दिस ऑल्सो कन्फर्स यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, इसका भी रोल होता है। असल में है तो डीएनए ही है, तो वो कहते हैं ना बाप का खून ही है, तो है तो डीएनए ही, बेशक कैसा ही हो,
कुछ ना कुछ तो रोल करता ही है, ये कुछ ना कुछ तो रोल करता ही है। अब पूरा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ के आए हो, वहाँ पे पढ़ के आए हो पूरा रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सारी चीज़ें पढ़ के आए हो। बायोटेक सब ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा बहुत पाप किए हुए हैं तो अभी पढ़ लो, अभी सुन लो। अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO, इनके अंदर जीनोमिक DNA होने के साथ साथ ये अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, जीनोमिक डीएनए होने के साथ साथ, ये मेरा जीनोमिक डीएनए है, उसके साथ में एक और एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसका घर का नाम क्या होता है, उसका घर का नाम होता है प्लाज्मिड। तो ये क्या करता है, ये भी कुछ ना कुछ, ये भी अपने पास क्या है, दिस इज डीएनए, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। दूसरा तो अपने पास यहां पर था ही, जीनोमिक डीएनए तो हम लोग के पास यहां पे था ही, ठीक है, उसके साथ में एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड बोला जाता है, वो भी कुछ सर्टेन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स के अंदर रोल प्ले करता है। जैसे कि अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग के पास यहाँ पर एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। दूसरा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉरन डीएनए से करवाते हैं। होल बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट दिस ओनली, द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। पूरी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसी चीज के बारे में तो बात किया हुआ है हम लोगों ने, तो ये हम लोग के पास यहां पर हो गया, ठीक है। तो क्या करता है, हम लोग के पास एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस, दूसरा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी वहां पर होती है, कॉल्ड मीजोसोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग के पास यहां पर होता है। तो इसके साथ में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और वो हम लोग के पास यहां पर क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग के पास है, दैट इज द मीजोसोम्स। मीजोसोम्स यहां पर होते हैं, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंशिएटेड फॉर्म। तो तीन चीजें अपने पास हो गई, 1, 2 एंड 3, सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंशिएटेड फॉर्म, तीन चीजें याद करने का तरीका हो गया हम लोग के पास यहां पे, ठीक है। तीन चीज़ें अपने पास हो गई, कौन कौन सी तीन चीज़ें हम लोग के पास हो गई, सबसे पहले अपने पास क्या है, सबसे पहले हम लोग का है प्लाज्मिड, दूसरा क्या है जीनोमिक डीएनए, तीसरा क्या है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स, प्लाज्मिड, जीनोमिक डीएनए तो प्रोकैरियोट्स में भी होगा, यूकैरियोट्स में भी। अपन सिर्फ प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, तो प्रोकैरियोट्स की दो चीज़ें हो गई जो हम लोग को याद रखनी है, प्लाज्मिड्स जो कि क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए हम लोग के पास होता है, चलो ठीक है जी, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या करता है, साथ में कुछ रोल भी प्ले कर रहा होता है। एंटीबायोटिक्स वाला केस हम लोग के पास हो गया, और दूसरा केस हम लोग के पास कौन सा हो गया, दूसरा केस एंटीबायोटिक्स का, और एंटीबायोटिक्स के अलावा क्या कर रहा था, क्या लैग कर रहा है? नहीं यार, मेरी तरफ से तो सिस्टम सही चल रहा है। ठीक है, ओके। तो प्लाज्मिड हम लोग के पास क्या था, प्लाज्मिड हमारे पास था एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। तो प्लाज्मिड के ऊपर ही अपना पूरा का पूरा कौन बेस्ड है, पूरा का पूरा हम लोगों के पास अपना बायोटेक बेस्ड है। तो यहां पर वो क्या कर रहा था, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग को करवानी थी उसके अंदर भी काफी ज्यादा रोल ये क्या कर रहा था, रोल ये प्ले कर रहा था। ये दो चीजें अपने पास हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज अपने पास क्या हो गई, प्लाज्मिड यहां पर हो गया। प्लाज्मिड के अलावा किसके बारे में मैंने बात की, मीजोसोम्स के बारे में यहां पर बात की। तो दोनों चीजें प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फटाफट से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, वन बाय वन करके यहां से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज कौन कौन सी थी, क्या सबसे पहले राइबोसोम्स थे, उसके बाद दूसरे हम लोग के पास सेंट्रियोल्स थे, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ अपन उनके इसके बारे में बात कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा कितना था, 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। बैक्टीरिया कितना था, 3 to 5 माइक्रोमीटर। आरबीसी कितना था, 7 माइक्रोमीटर। सबसे लार्जेस्ट कौन था, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सबसे लॉन्गेस्ट ह्यूमन के अंदर कौन है, नर्व सेल हम लोग के पास यहां पर है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या है यहां पे, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में अपन ने बात की थी। प्लाज्मिड से पहले प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड
कंपाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती। एक क्या होता है हम लोग के पास वहां पर जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के साथ में अपने पास एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जिसका नाम क्या है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एंटीबायोटिक्स के अंदर और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करता है। एंड फाइनली अपने पास किसके जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की क्या है, दैट इज द मीजोसोम्स। आई गेस आप लोगों को यहां तक सबकी सब चीजें याद हो गई होंगी। ये क्या है, ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है। ओके चलो डन, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेल्युलर एनवेलप के बारे में और उसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में। सेल्युलर एनवेलप तो दैट कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये है मेरा सेल, ये क्या है मान लो ये है मेरा सेल। सेल को मुझे क्या, उसके ऊपर मुझे एनवेलप बनाना है, तो उसको मैं क्या कहूंगी, उसको मैं बोलूंगी सेल्युलर एनवेलप। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो सेल्युलर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर, तीन लेयर का स्ट्रक्चर उसके ऊपर होता है। क्या क्या होता है तुम सभी लोगों को पता है, तुम सभी लोगों को पता है, ये अपना सेल, सेल के अंदर मान लो तुम लोग ऐसे मान के चलो ये अपना प्लाज्मा सेल के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, चलो ठीक है जी। उसके बाद क्या हो गया, उसकी एक मेम्ब्रेन, उस प्लाज्मा की मेम्ब्रेन, याद करने का तरीका है अपने पास बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा याद। अपने पास प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा की मेम्ब्रेन, फिर क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा इसकी टाइट पैकिंग करते हैं, फिर क्या होगा हम लोग के पास इसकी सेल वॉल, अब दीवार बना दो। और दीवार बनाने के बाद बाहर क्या होगा, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। चलो एक टॉफी बनाते हैं यार, छोड़ो पढ़ाई लिखाई, छोड़ो पढ़ाई लिखाई करके किसका ही भला हुआ है जो हमारा होगा, ठीक है। चलो देखो करते हैं, क्या हो गया, अरे क्या हो गया, क्या हो गया रे मेरे बच्चा, क्या हो गया। चलो देखो देखो देखो, बैक टू क्लास हैं। हाँ तो सुनो, देखो हम लोगों के पास यहां पर क्या हो गया, कुछ करे हो जाते हैं यहां पे डन। देखो तो अपने पास क्या है, यहां पे एक टॉफी मान लेते हैं हम लोग, सेल, सेल टॉफी मान लो। चलो ये अपने पास एक टॉफी है, टॉफी है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ऐसे पिघली हुई सी प्लाज्मा सा पड़ा हुआ है हम लोग के पास। चलो ठीक है जी, प्लाज्मा सा अपने पास हो गया। इसके ऊपर सबसे पहले अपन एक पैकिंग करते हैं, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन सी बना देते हैं। तो इसका मतलब अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो ठीक है, अब तुमने कहा ये तो पैकिंग हमने मस्त कर दी, मैंने कहा चलो ठीक है जी बहुत अच्छी बात है, अब दूसरी पैकिंग कर दो, तुमने कहा दूसरी कर देंगे। अब हम इसके ऊपर एक वॉल बना देते हैं, तो अपन ने क्या बना दिया, ये सेल वॉल। अब भी तुम्हारी टॉफियां जो थी वो क्या हुई, तुम्हारी टॉफियां बिकी नहीं, तो तुमने कहा अरे ऐसे तो टॉफियां बिकी नहीं रही, फिर क्या करती हो, मैंने कहा कोई बात नहीं एक थोड़ी सी और एक और लेयर बना दो इसके ऊपर, थोड़ा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर तुम लोगों ने एक और छोटी सी लेयर बना दी, और उसका नाम क्या हुआ, उसका नाम हम लोग के पास यहाँ पर हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। चलो बहुत अच्छी बात है, ये हम लोगों के पास यहाँ पर हो गया। ओके देखो, अब देखो तो आउटर मोस्ट सबसे बाहर क्या होती है, आउटर मोस्ट सबसे बाहर हम लोग के पास होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स अपने पास क्या होती है, उसके अंदर एक लूज शीट होती है, एक थिक एंड टफ कैप्सूल अपने पास होती है। लूज शीट को क्या कहेंगे, लूज शीट एक लेयर जैसी अपने पास है, तो स्लाइम लेयर, थिक और टफ जो होगा वो हम लोग के पास क्या होगा, थिक एंड टफ वाला पोर्शन, दैट विल बी टर्म्ड एज द कैप्सूल। तो सबसे बाहर क्या हो गई, सबसे बाहर आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के भी दो पार्ट, इन जैसे ही दोनों पार्ट, देखो एक तो दो मेम्ब्रेन है, कौन कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, उसके बाद उनके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके भी इन्हीं जैसे दो पार्ट होते हैं। मैं तो हमेशा इसको ऐसे याद रखती हूँ कि एक तो दो मेम्ब्रेन ऑलरेडी ये हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसके भी इन दोनों जैसे ही दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल जैसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी सी अपनी क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक
है, तो ऐसे इसकी जगह पर क्या हो गया, स्लाइम लेयर, लूज शीट, ठीक है। दूसरा, जैसे सेल वॉल टफ टफ, तो अपने पास यहां पर इसका टफ वाला पोर्शन कौन सा हो गया, इसका टफ वाला पोर्शन हो गया कैप्स्यूल। तो ये क्या करती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर है, तो क्या अंदर सेल के अंदर भी एक्सटेंड कर रही होगी थोड़ा बहुत, बिल्कुल कर रही होगी, सबसे अंदर है तो एक्सटेंशन इन टू द सेल। सेल वॉल क्या है, टाइट है, वॉल दीवार बचाती है, तो सेल को प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, उस पर्टिकुलर सेल को बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से बचाती है। तो सेल एनवेलप के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तीन लेयर्स अपने पास हो गई। कम ऑन गाइस, फटाफट से करते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के दो पार्ट, लूज शीट स्लाइम लेयर, टफ वाला पार्ट कैप्सूल हम लोग के पास हो गया, सेल वॉल एंड फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट है तो उसका एक्सटेंशन कहां पर होगा, सेल के अंदर होगा। सेल वॉल क्या करेगा, बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से हम लोग के पास क्या कर रहा होगा, बचा रहा होगा। तो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, लूज शीट क्या हो गई, स्लाइम लेयर, थिक और टफ क्या हो गया, कैप्सूल। सेल वॉल हम लोग के पास क्या होता है, बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से बचाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन कहां पर होता है, सेल के अंदर होता है। सो दिस इज द सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल्स, लैमिले, मेसोसोम्स। अभी अभी आप लोगों को यहां पर बताया था स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम्स। तो अपने पास यहां पर क्या प्रेजेंट हो गए, मेसोसोम्स हम लोग के पास यहां पर प्रेजेंट हो गए, राइट। तो अपने पास क्या है, तीन लेयर्स, कौन कौन सी तीन लेयर्स, कम ऑन गाइस रिवाइज करते हैं। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके दो पार्ट, एक स्लाइम लेयर अपने पास वहां पर हो गई, दूसरा हम लोग के पास क्या हो गया, थिक कैप्सूल वहां पे अपने पास हो गया। चलो ये ग्लाइकोकैलिक्स हम लोग का यहाँ पर डन। फिर उससे अंदर क्या होगा, उससे अंदर होगा सेल वॉल, सेल वॉल के बाद और अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट सेल के बाहर है, तो थोड़ी सी उसकी एक्सटेंशन अंदर भी जा रही होंगी, और उन एक्सटेंशन का नाम क्या रखा जाएगा, उन एक्सटेंशंस का नाम रखा गया है मेसोसोम्स। मेसोसोम्स क्या-क्या करेंगे, अपनी सेल वॉल बनाने में भी हेल्प कर देंगे। अपना किसका एक्सटेंशन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर क्या है, ये तो है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका ही हल्का सा एक्सटेंशन ये मान लो मेसोसोम्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर सेल वॉल, तो सेल वॉल के अंदर भी रोल प्ले कर देंगे, उनमें भी हेल्प कर देंगे। इसके अंदर क्या है, वहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर देंगे। अब अंदर से बाहर कुछ खाना पहुंचवाना होगा, यही तो करेंगे ना, मेनली अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करेंगे, सांस लेने में। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, कुछ सेक्रीट करने में, सेक्रीशन प्रोसेस में भी। दूसरा, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो बढ़ ही रहा है, कुछ ऐसे एक्सटेंशन आपके पास अंदर हो रही है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, देखो ये एक्सटेंशन अपने पास यहाँ पर है, तो सीधी सी बात है सरफेस एरिया तो बढ़ ही रहा है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको रटेंगे, इसको सिर्फ समझो, समझने से ही तुम लोग को इजीली याद हो जाएगा ये क्या है तुम लोगों के पास। दिस इज योर सेल, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका जरा सा एक्सटेंशन ये अपने पास क्या हो गए, यहाँ पे ये हो गए मेसोसोम्स, जिसके जस्ट बाहर प्रेजेंट है सेल वॉल, तो मेसोसोम्स इससे भी अटैच्ड है, तो सेल वॉल के अंदर भी हेल्प कर देंगे। जस्ट अंदर अपना डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, उसके अंदर भी हेल्प कर देंगे। अब मान लो यहां से खाना मुझे अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर देंगे। कुछ चीजें सेक्रीट करवानी है, सेक्रीशन में भी हेल्प कर देंगे। अपना सरफेस एरिया तो ये इंक्रीज करवा ही रहे हैं, सरफेस एरिया अपने पास बढ़वा देंगे, रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प कर देते हैं। तो मेसोसोम्स आपको याद करने का बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया। चलो फटाफट से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर हम लोग के पास कौन सी है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर हम लोग के पास है ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके दो पार्ट्स हो गए, उसके अंदर एक स्लाइम पोर्शन अपने पास होता है, स्लाइम लेयर अपने पास होती है, दूसरा थिक पोर्शन होता है, कैप्सूल अपने पास यहां पर होती है। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास हुआ, नेक्स्ट हम लोग के पास हुआ वो क्या होगा, हम लोग के पास यहाँ पे ये अपने पास यहाँ पे हो गया सबसे बाहर वाली लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके अंदर लूज शीट है, स्लाइम लेयर है, फिर सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है, अपना कोलैप्स होने से बचाएगी। फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक्सटेंशन कहाँ पर होती है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक्सटेंशन हो रही है, तो वो क्या हो गए मेसोसोम्स। मेसोसोम्स क्या क्या कर रहे हैं, बाहर को भी हेल्प कर रहे हैं, सेल वॉल को भी, अंदर डीएनए को भी हेल्प कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में, रेस्पिरेशन में, सेक्रीशन में, सरफेस एरिया बढ़वाने में, इन सभी प्रोसेसेस के अंदर हेल्प कर रहे हैं।
तो ओवरऑल ओवरऑल हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, ओवरऑल हम लोगों के पास यहाँ पर टोटल कितनी चीज़ें हैं, ओवरऑल हम लोग के पास यहाँ पर टोटल चार चीज़ें अपने पास हो गई। कौन कौन सी चार चीज़ें हम लोग के पास हो गई? नंबर वन चीज़, सबसे पहले बाहर ग्लाइकोकैलिक्स जो कि दो तरीके की होती है, उसके जस्ट बाद क्या होगा, सेल वॉल होगा, उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग के पास होगी, और सबसे अंदर अपने पास क्या होगा, सबसे अंदर हम लोगों के पास मीजोसोम्स होंगे। तो चार चीज़ें अपने पास यहाँ पर हो गई। चलो ठीक है जी, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन सम प्रो कैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर देयर आर अदर मेम्ब्रेन बाउंड एक्सटेंशंस कॉल्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है क्रोमैटोफोर्स। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे मीजोसोम्स। मीजोसोम्स कुछ और चीजें होती हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स तो क्या-क्या अपने पास हो गया, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर दो चीजें, कौन कौन सी, मीजोसोम्स या फिर क्रोमैटोफोर्स, जिनके अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं, किसके अंदर, साइनोबैक्टीरिया में। तो एक सीधा सा स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पर बन गया। क्या स्ट्रक्चर हम लोग के पास बन गया, सबसे पहले आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके अंदर दो पार्ट हैं, कौन कौन सा, एक अपने पास स्लाइम लेयर, दूसरा अपने पास यहाँ पर कैप्सूल, उसके जस्ट अंदर क्या होगा हम लोगों के पास, वहाँ पर सेल वॉल, सेल वॉल के बाद अपने पास क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग के पास क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अपने पास यहाँ पर होंगे क्रोमैटा फर्स्ट, किस वाले केस में, साइनोबैक्टीरिया वाले केस में, या फिर मेनली अपने पास क्या होते हैं, मेनली हम लोग के पास वहां पर होंगे मीजोसोम्स। उनका क्या क्या काम होता है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो ये अपने पास बाहर एक कवरिंग टाइप का अपना सेल में बन गया। तो जो बैक्टीरिया अपने पास होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल मतलब नागिन डांस करेंगे, तो मोटाइल मूव करने वाले हम लोग के पास हो गए, तो उनके अंदर क्या होती है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस अपने पास होती हैं। एक क्या हो गया, फ्लैजिला। फ्लैजिला, फ्लैजिला के अंदर अपने पास क्या क्या होगा, एक बात बताओ, कोई भी चीज अपने पास है, ये है फ्लैजिला। क्या फ्लैजिला के अंदर, एक तो अपने पास यहां पर फिलामेंट, जो फिलामेंट बीच वाला पोर्शन, एक अपने पास उसका जो बेस बना रहा होगा बेसल बॉडी, और एक जो अपना यहाँ हुक में फंसाएगा, अपने पास क्या हो गया, हुक। तो एक फिलामेंट, इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ बस, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ मान लो, उसको कुछ पकड़ना है, ऐसे उसको कुछ पकड़ना है, ये मान लो मेरा फ्लैजिला है, दिस इज ये फ्लैजिला है। तो एक क्या हो गया, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी, सिर्फ याद करने का तरीका हो गया इसके पार्ट्स, ये मेरा फ्लैजिला। फ्लैजिला के अंदर क्या क्या हो गया, फिलामेंट, हुक, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी, हो गया हम लोग को याद। तो अपने पास यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर अपने पास क्या है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस, कौन सी, फ्लैजिला, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। नेक्स्ट अपने पास क्या हो गया, जो पिली और फिम्ब्री अपने पास होती हैं, वो मोटिलिटी के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करती। अब मुझे मान लो क्या करना है, मेरे पैर हैं, ठीक है, और मेरे हाथ हैं, हाथों को मान लो पिली और फिम्ब्री, नीली पीली, नीली पीली, ठीक है, उनको क्या मान लो, हाथ मान लो, तो क्या वो किसी मोटिलिटी में रोल प्ले करेंगे, नहीं। लेकिन मुझे कहीं पर अटैच होना है, देखो मुझे यहाँ पर अटैच होकर बैठना है, तो अटैच होकर मुझे बैठना है यहाँ पर, तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर ये हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा क्या हो गया अपने पास यहाँ पर, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या हो गया, फ्लैजिला वाले केस के अंदर वो मूव करने के अंदर, पैर मेरे मूव करने में हेल्प करेंगे। तो फ्लैजिला किसको मान लो, पैरों को मान लो, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलिप, जो पिली और फिम्ब्री हम लोग के पास हैं, वो क्या करती हैं, कोई मोटिलिटी के अंदर वो हेल्प नहीं करती हैं। स्ट्रीम्स के अंदर जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स इन द स्ट्रीम्स, उनमें अटैच करने में, या फिर होस्ट टिश्यू से अटैच होने में, वहां पर हेल्प प्ले, हेल्प जो है वो वहां पर करती हैं। तो बैक्टीरिया दो तरीके के हैं, मोटाइल, नॉन मोटाइल। मोटाइल अपने पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस, फ्लैजिला, पिली एंड फिम्ब्री अपने पास कोई रोल प्ले नहीं करती हैं मोटिलिटी के अंदर। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बस इनको बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो सेल एनवेलप्स, ऑन द बेसिस डिफरेंस इन द सेल एनवेलप्स, मान लो मेरे पास ये एक पर्टिकुलर सेल है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एनवेलप है, उस एनवेलप की बात करके आ चुकी हूँ, क्या क्या एनवेलप होता है, ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल, देन हम लोग के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग के पास थी, उसके बेसिस पर वो एक स्टेनिंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपको ये सेल है, ठीक है, इसका कलर देखना है आपको, सॉरी कलर नहीं, आपको इस सेल को देखना है, आपको इस
सेल को देखना है, ठीक है? तो अब इसके ऊपर क्या करूंगी मैं, अब ऐसे ऐसे तो दिखेगा नहीं मुझे ये सेल। दीदी दिख तो रहा है, अरे मान लो यार, मान लो, वरना मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी। ऐसे तो मान लो मुझे ये सेल दिखेगा नहीं। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको थोड़ा सा कलर दे दूंगी, इसकी स्टेनिंग कर दूंगी। स्टेन का मतलब उसको थोड़ा सा कलर दे देना। तो अगर एक किसने किसने किया वो, ये किया ग्राम भाई साहब ने। अगर ग्राम स्टेन को उठा लिया तो उसको क्या बोला गया, ग्राम भाई साहब को हरी झंडी दिखा दी, ग्राम पॉजिटिव। अगर नहीं उठाया उस पर्टिकुलर स्टेन को उस भाई साहब ने, उस बैक्टीरिया ने, तो वो क्या हो गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो दो अपने पास यहाँ पर होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। मतलब क्या था अपने पास, किसके बेसिस पर उठाएंगे, जो बाहर इसको स्टेनिंग उठानी है वो तो यहाँ जो इसके ऊपर की लेयर है वही डिसाइड करेगी ना। तो सेल एनवलप ही डिसाइड करेगा कि उसको वो पर्टिकुलर स्टेनिंग उठानी है या नहीं। ग्राम अगर उसको उठानी है तो ग्राम पॉजिटिव, अगर ग्राम उसको नहीं उठानी है तो ग्राम नेगेटिव अपने पास यहाँ पर हो गया, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा राइबोसोम्स के बारे में बात कर लेते हैं। यार राइबोसोम्स की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कौन कौन सी दो चीज़ों की बात की थी, राइबोसोम्स की बात की थी और सेंट्रियोल के बारे में बात की थी, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं, ठीक है। तो अपने पास राइबोसोम्स कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड अपने पास नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अपन कहते हैं ना 1970s के लोग हैं ये लोग, तो 1970 के जमाने के लोग हैं ये, 1970s के जमाने के लोग। मूवीज देखते हो तो ऐसे कहते हो ना 70s के जमाने के लोग, तो प्रोकैरियोट्स अपने कैसे हो गए 70s के जमाने के लोग। तो इसकी दो सब यूनिट होती हैं, कौन कौन सी दो सब यूनिट, 50s एंड 30s। हालांकि ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, 70s मैथ, आरआईपी मैथ्स, 50 और 30 80 होगा, लेकिन किसी भी हालत में यहां पर 80 मत कर देना, वो मैथ्स वाला चीज मत कर लेना। अपन बायो वाले तो अपन अपना जो लीग है उसको मेंटेन रखेंगे कि कैलकुलेशन हम लोगों को नहीं आती है। तो 50s और 30s मिलकर क्या बनेंगी, 70s, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी घर वाले पूछे ना, घर वालों को शॉक किया करो, बोला करो अरे 50s सब यूनिट प्लस 30s सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम विल मेक द 70s सब यूनिट। 50s और 30s को जोड़ेंगे तो 70s बन जाएगा। तुम्हारे घर वाले से देख रहे कौन से पागल खाने से छूट के आए हुए, ठीक है। तो राइबोसोम्स होते क्या है, सब लोग को पता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स के अंदर होती है। राइबोसोम्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मॉलिक्यूलर चैप्टर के अंदर, प्रोटीन की सिंथेसिस अपने पास यहाँ पर होती है। एक एमआरएनए से अटैच करते थे हम लोग, एक सेवरल एमआरएनए से अटैच होता है हम लोगों के पास। पूरा मॉलिक्यूलर चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, पूरा एमआरएनए के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो सेवरल राइबोसोम अगर एमआरएनए से अटैच कर जाए तो काफी सारे वहां पर राइबोसोम हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। एक एमआरएनए पे काफी सारे राइबोसोम अटैच्ड, तो पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। तो राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स, एमआरएनए को प्रोटीन्स में बदल रहा था। मॉलिक्यूलर चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं, तो जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है मॉलिक्यूलर चैप्टर जाकर पढ़े। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स 70s के जमाने के, 70s। सब यूनिट कौन कौन सी, 50s एंड 30s। राइबोसोम्स क्या होते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सिंगल एमआरएनए से काफी सारे राइबोसोम अटैच हो सकते हैं, और क्या बनाते हैं हम लोग के पास, चेन बनाते हैं पॉलीराइबोसोम, जो कि एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या है, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन कुछ इंक्लूड करेंगी अपनी जिंदगी में, चलो देखते हैं जी। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। हम लोगों का खाना ऐसे तो यूं ही बर्बाद हो जाता, तो हमें स्टोर करने की जरूरत थी। तो हमारी जिंदगी में उस बर्बाद खाने को जो अभी यूज नहीं हो पाया उसको ये स्टोर करके रख रही हैं, हमारे अंदर तो नहीं रख रही, बैक्टीरिया के अंदर रख रही हैं, ठीक है। तो ये रिजर्व मटेरियल को प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, उनकी जिंदगी में रख रही हैं, इंक्लूड करके अभी इन्होंने रखा हुआ है। तो नाम से ही पता चल रहा है इंक्लूजन बॉडीज, अभी भी खाने को इंक्लूड हमारी जिंदगी में ये करके रखेंगी। तो रिजर्व मटेरियल अपने पास यहां पर मिलता है, किसकी फॉर्म में मिल सकता है। अब बैक्टीरिया तुम्हें पता ही है क्या खा सकते हैं, फॉस्फेट ग्रैनुल खा सकते हैं, पिज्जा बर्गर तो खाएंगे नहीं, साइनोफाइशन ग्रैनुल्स, ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स की फॉर्म में, तो यही अपने पास हो गया, फॉस्फेट हो सकता है, राइट। ग्लाइकोजन अपने पास हो सकता है, बैक्टीरिया के अंदर यही मिलेगा ना, पिज्जा बर्गर तो मिलेगा ना, ये चीजें मिलेंगी, राइट। और कुछ गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, कुछ गैस के वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
ये गैस भी वहां पर संभाल कर रखते हैं। ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अगर फोटोसिंथेसिस हुआ है तो तुम लोग खुद सोच के देखो ना, वैसे ही तुम लोग यहाँ इजीली याद कर सकते हो, कुछ ना कुछ गैसेस का रोल तो रहता होगा उनके अंदर। तो अगर ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक, गैसेस का कुछ ना कुछ रोल रहेगा, तो कौन से हो गए, गैस वैक्यूल्स। तो इंक्लूजन बॉडीज अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ इंक्लूड करके रखेंगी, रिजर्व फूड मटेरियल को इंक्लूड करके रखेंगी, फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, साइनोफाइशन ग्रैनुअल्स, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स अपने पास यहाँ पर हो गए। गैस वैक्यूल्स कहाँ पर मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं। डन। ओके जी, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत बात हम लोगों ने कर ली है, अब अपन आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, अब अपन आगे बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। चलो डन, चलो देखो अब तो यूकैरियोट इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। ऑलरेडी आप लोग ये सब चीजें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पढ़ चुके हो। दी योर प्रीवियस वीडियोस आर नॉट देयर इन यूट्यूब, व्हाई, मेरा चैनल हैक हो गया था यार, वीडियोस डिलीट कर दी गई है। तुम लोग के तो कमेंट देखना ही बर्बाद बात है, मतलब इंसान एक कमेंट देख लेना तो उसका मूड ही खराब हो जाए। इसे मैं देखती नहीं हूँ कमेंट्स, कभी कभी बीच बीच में खोल के देखती हूँ। चलो, संस्कार दिखते हैं, संस्कार दिए नहीं है घर वालों ने, तुम्हारी गलती नहीं है, घर वालों की है, उनको बचपन से ध्यान देना चाहिए था। और तुम ऐसे तो मत ही सोचना कि तुम डॉक्टर्स बन जाओगे, इस चीज़ के तो उम्मीद ही खो देना। हमें कोई चीज़, मतलब नॉर्मल इंसान जो होता है ना, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो क्या करता है, वो छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जो एबनॉर्मल होते हैं वो क्या करते हैं, रुकते हैं, फिर कमेंट करते हैं, फिर वहाँ चार गालियाँ लिखते हैं, फिर चार गालियाँ खा के भी जाते हैं। ऐसा तो है नहीं बिना खाए जाओगे, चार गालियाँ बिना दे के निकल जाओगे। यहाँ पे लोग इतने बैठे हुए हैं तुम लोगों को कि चार गालियाँ खा के ही जाओगे, देने ना देने का पता नहीं, खा के जरूर जाओगे, ठीक है। ओके, तो यूकैरियोट्स तुम लोग को पता है बैक्टीरिया वाला क्लासिफिकेशन, आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन देखा है, बैक्टीरिया वाला प्रोकैरियोट्स में आता है, प्रोटिस्ट ऑनवर्ड्स प्लांट्स एनिमल फंजाई, वो सारा अपने पास किसके अंदर आ जाते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर आ जाते हैं। अब तुम सबको पता है वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगी, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, काफी सारे अपने पास लोकोमोटरी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होंगे, जेनेटिक मटेरियल भी अपना क्रोमोसोम्स के अंदर इंक्लूडेड होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, और सारे के सारे यूकैरियोट सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ऑलरेडी आपको पता है यार, आरबीसी अलग है, अपना नर्व सेल अलग है, हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा वैरायटी है, तो सीधी सी बात है यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल तो नहीं है। तो ये सारे के सारे पॉइंट ऑलरेडी आप लोग को पता है। सबसे पहली बात, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियर एनवेलप भी होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होंगी। जेनेटिक मटीरियल किसकी फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूलर चैप्टर अपने पढ़ रखा है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में यहाँ पर होगा, लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे, इनके बारे में आगे भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूकैरियोट्स क्या इंक्लूड करते हैं, सारे प्रोटीज प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। जो प्लांट सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, अब दो चीजों के बारे में अपन पढ़ते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में। प्लांट सेल्स की क्या यूनिक होती है, प्लांट सेल के अंदर होता है बहुत ज्यादा मस्त वैक्यूल, और एनिमल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। तो अपने पास प्लांट सेल में क्या हो गए, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के बारे में ऑलरेडी चुके हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं, और ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि वो एनिमल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स। तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या-क्या आता है, तुम सबको पता है, प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है वैक्यूल्स, एनिमल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स की एक और खासियत, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। राइबोसोम्स अपने पास प्रोकैरियोट्स में कैसे थे, 70s के जमाने के, यहां पर कैसे होंगे, यहां पर होंगे 80s के जमाने के, और कौन कौन सी सब यूनिट से मिलकर बने हैं, 60 and 40, ये किस किस से मिलकर बने थे, 50 and 30, 30 को क्या कर दो 40, 50 को क्या कर दो 60, दोनों को 10 10 बढ़ा दो, 70 को भी क्या कर दो 80, हो गया याद। अपने पास प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या था, 70, किस किस से मिलकर बना था, 50 and 30, 70 का क्या कर दो 80, 50 का क्या कर दो 60, 30 का क्या कर दो 40, बन गया। तो यहां पर राइबोसोम्स,
ATS, किन किन से मिलकर बने हैं, 40S एंड 60S से मिलकर हम लोग के पास यहाँ पर बने हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या आ गए, प्रो के हम लोग के पास प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब पता है तुम लोगों को। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स, एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल्स, राइबोसोम ATS हम लोग के पास यहाँ पर होते हैं। तो यूकैरियोट्स का ये स्ट्रक्चर हो गया। एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स हम लोग के पास प्रेजेंट होते हैं। ये अपने पास प्लांट सेल हो गया, ये अपने पास एनिमल सेल यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। चलो नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, अब बात करते हैं सेल के मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन स्पेशली किसके अंदर, RBC के बारे में बात कर लेते हैं। उसकी वजह से जो सेल की मेम्ब्रेन होती है एनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने पास उसका एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पर दिया। देखो स्ट्रक्चर कैसा है अपने पास दिया। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सबसे पहली बात PL किससे मिलकर, PL से मिलकर, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। लिपिड्स में भी अगर बात करें, जब MBBS में आओगे, फर्स्ट ईयर में आओगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, लिपिड्स पे पूरी एक अलग यूनिट पढ़ोगे, प्रोटीन्स पे पूरी एक अलग यूनिट पढ़ोगे। फर्स्ट ईयर के अंदर जो अपनी वो होती है ना बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर पूरा प्रोटीन्स का अलग ही यूनिट, फिर उसका मैकेनिज्म का अलग यूनिट, फिर लिपिड्स का पूरा अलग यूनिट, फॉस्फोलिपिड्स सब पढ़ोगे, ठीक है। फिर लिपिड्स अपने पास मैकेनिज्म का अलग यूनिट, उसके अंदर जितनी भी मैकेनिज्म अपने पास वहाँ पर होंगी। तो इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ोगे, ये जो है ना ये ट्रेलर है यहाँ पर, यहाँ पे तो नाम ऐसे टच करते हैं, छू के निकल जाते हो तुम लोग। जब आओगे ना MBBS में तब पता चलेगा बेटा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन अपने पास किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बने होते हैं। लिपिड्स में भी कौन से लिपिड्स, जिसके अंदर फॉस्फेट अपने पास यहाँ पर है, फॉस्फोलिपिड्स। इनके अंदर जो पोलर हेड होता है वो बाहर होता है, और नॉन पोलर टेल जो हाइड्रोफोबिक हो गई वो कहाँ पर होगी, अंदर होगी। याद करना बहुत आसान है, नॉन पोलर टेल हाइड्रोफोबिक अपने पास है, वो कहाँ पर है, इनर साइड। पोलर पोल, पोल वाला पोर्शन बचा कर रखेगा अपने को हर तरीके की दिक्कतों से। तो पोल तो बाहर ही होना चाहिए ना, तभी तो हम जिंदगी में बच पाएंगे, हमारा खंबा तो बाहर होना चाहिए जो हमें बचा सके। तो अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन हम लोगों के पास है, ये जो अपने पास सेल मेम्ब्रेन है उसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हम लोगों ने वहां पर बताया, और उसके अंदर क्या कहा, वो किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बनी है। लिपिड्स की भी अगर बात करूं तो किस तरीके के लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, जिनका पोलर अपने पास कहां है, आउटवर्ड, और अपने पास नॉन पोलर किधर है, नॉन पोलर अंदर की तरफ है। एक और तरीका याद करने का, देखो एक बात बताओ, ये क्या है, ये मेरी मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं पानी तो होगा। एक होता है पोलर पार्ट जो कि क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब प्यार करने वाला, और फोबिक का मतलब उसे डरने वाला। हाइड्रोफोबिक कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक होता है नॉन पोलर पार्ट। तो तुम एक बात बताओ, जब ये मेम्ब्रेन ऐसे मोटी सी मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें अंदर की तरफ क्या है अपना, पानी, साइटोप्लाज्म पानी तो होगा, तो इसीलिए उस साइड में क्या होगा, उस साइड में पोलर पार्ट, और अंदर की तरफ क्या होगा, नॉन पोलर पार्ट। इसीलिए मैंने क्या बोला, आउटवर्ड क्या होता है, पोलर पार्ट, इनवर्ड क्या होता है, नॉन पोलर पार्ट। तो कैसा स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है, प्रोटीन्स से और लिपिड से, लिपिड के अंदर भी फॉस्फोलिपिड्स। आउटवर्ड क्या होगा, पोलर हेड, नॉन पोलर अपने पास वो क्या होगा, इनर साइड में होगा। तो ह्यूमन का जो RBC है उसके अंदर 52% प्रोटीन्स होते हैं और 40% लिपिड्स अपने पास यहाँ पर होते हैं, ठीक है। 40% लिपिड्स, 52% प्रोटीन्स किसके अंदर, ह्यूमन RBC के अंदर, ठीक है। लिपिड कंपोनेंट के अंदर क्या आता है, फॉस्फोग्लिसराइड्स अपने पास यहाँ पर होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो इंटीग्रल भी हो सकते हैं और पेरिफेरल भी। मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो उसके अंदर भी इंटीग्रल,
जो उसके अंदर प्रेजेंट है, अंदर भी हो सकते हैं, दूसरे क्या हो सकते हैं, पेरीफेरी के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो पेरीफेरल भी अपने पास हो सकते हैं, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनल प्रोटीन्स। तो अपने पास क्या होगा यहाँ पर, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो हम लोग के पास है वो मेनली किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन्स से और लिपिड से मिलकर बनी होती है। मेनली किससे, मेनली फॉस्फोलिपिड से। पोलर हेड कैसे होगा, बाहर होगा। नॉन पोलर हेड कैसे होगा, इनर साइड में होगा। ह्यूमन आरबीसीज के अंदर 52% प्रोटीन्स, 40% लिपिड्स। हम लोग के पास यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फोग्लिसराइड्स होता है। मेम्ब्रेन कैसे हो सकते हैं, एक उसके अंदर गड़े हुए इंटीग्रल, प्रोटीन्स कैसे हो सकते हैं, एक उसके अंदर गड़े हुए इंटीग्रल और एक जो बाहर होंगे वो पेरीफेरल। तो ये वाला पेज हम लोग के पास यहाँ पर हो गया, डन। ओके जी, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन उसको किसने दिया था, गाते गाते किसने दिया, फ्लूइड मोजैक मॉडल। कभी ना कभी हो, कभी ना कभी बदलेगा मौसम, वो मौसम गिर रहा था उसके पास, सिंगर था अपना निकोलसन, निकोलसन और निकोल का बेटा और अपना सिंगर भाई साहब गा रहा था कभी ना कभी बदलेगा मौसम। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, उसके ऊपर भी खुशियों की बारिश कर दी भगवान ने, ठीक है। तो फ्लूइड मोजैक मॉडल उसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर अपने पास क्या दिया, फ्लूइड मोजैक मॉडल। उसके हिसाब से अपने पास क्या था, जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाई लेयर, और जिस एबिलिटी की वजह से मूव कर पा रहे हैं उसको बोला जाता है फ्लूइडिटी। देखो अपने पास, मैं आपको ऑलरेडी क्या बोल चुकी हूँ, ये हम लोगों के पास है हमारी मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर अपने पास क्या होगा, ये अब इस मेम्ब्रेन को ऐसे ना दिखा के, अगर मैं तुम लोग को दूसरी तरीके से दिखाऊँ ना, ये मेरा सेल है, ठीक है, इस सेल के ऊपर ये मेरी मेम्ब्रेन है। अब शायद तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखा रही थी पहले, ठीक है। अब मैंने ये ना दिखा के मैंने पूरा सेल ही तुम लोग को दिखा दिया। ये अंदर क्या है तुम लोगों का, अंदर तुम लोगों के पास यहाँ पर है सेल। ये बाहर क्या है तुम लोगों के पास, बाहर है तुम लोगों की मेम्ब्रेन। अगर बाहर तुम लोगों की मेम्ब्रेन यहाँ पर है तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर यहाँ पर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अपने पास इस तरीके से लिपिड्स यहाँ पे लगे हुए होंगे, जिसके अंदर बाहर कौन सा, आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ कौन सा हेड होगा उसका, आउटवर्ड की तरफ उसका पोलर हेड होगा, और अंदर की तरफ उसका कैसा हेड होगा, अंदर की तरफ उसका नॉन पोलर हेड हम लोगों के पास यहाँ पर होगा। ये लिपिड हो गया, और साथ में और किससे मिलकर बना है, ये प्रोटीन से मिलकर बना है। तो प्रोटीन दो फॉर्म में है, कुछ तो इसके अंदर ही इंटीग्रल अपने पास है, कुछ पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। तो ये क्या करता रहता है अपने पास यहाँ पर, इसी में बोल रहा है कि यहाँ पर अपने पास फ्लूइड होता है थोड़ा सा, जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो अपने पास यहाँ पर मूव करता रहता है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है जो लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स को पूरी ओवरऑल बाई लेयर के अंदर, कैसी लेयर है ये देखो, साफ साफ दिख रहा है तुम लोग को, दो लेयर मैंने बनाई है, बाई लेयर मैंने यहाँ पे बनाई है, साफ साफ दिख रहा है आप लोग को। तो बाई लेयर के अंदर क्या करता है, उसको पूरा का पूरा मूव करने देता है, मतलब लिपिड ने तो उसको पूरा का पूरा बना रखा है, और अपना प्रोटीन क्या कर रहा है, उसके अंदर वहां पर तैर रहा है फ्लूइडिटी के अंदर। तो इसीलिए सिंगर और निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया, फ्लूइड मोजैक मॉडल। फ्लूइड है तभी वो चीज ग्रो कर पा रही है, तभी अगर यहां पे बिल्कुल सॉलिड होता तो क्या ये चीज ग्रो कर पाती, सॉलिड चीज तो फ्लेक्सिबल होती नहीं ना, ग्रो करने के लिए अलाउ करती नहीं, यहां पे फ्लूइड है तभी वो ग्रो कर सकता है, जो सेल है वो ग्रो कर सकता है। अपने पास यहां पर सेल, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जंक्शन बन सकता है, पानी को तो ऐसे करके हटा सकते हैं ना हम लोग, तो सेलुलर जंक्शंस, इसीलिए अपने पास यहां पर सेल की ग्रोथ इसीलिए हो सकती है, इंटरसेलुलर जंक्शन इसीलिए बन सकते हैं, सेक्रीशंस इसीलिए होती हैं, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, एक सेल दूसरे में डिवाइड होके फ्लूइडिटी वहां पर प्रेजेंट है, इसीलिए अपने पास यहां पर हो गया। तो पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायलेयर, नॉन पोलर लिपिड बायलेयर से पोलर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते हैं, पास नहीं कर सकते हैं, ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है। अपने को बेसिकली किसके बारे में बात करनी है, सिंगर, सिंगर एंड निकोलसन के मॉडल के बारे में बात करनी है, जो कि क्या है, एक फ्लूइड मोजैक मॉडल है। उन्होंने क्या कहा, ये लिपिड एक तरीके से यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, लिपिड जो है, लिपिड और प्रोटीन मिलकर अपनी लेयर को बना रहे हैं। लिपिड के दो पार्ट हो गए, एक आउटर अपना पोलर पार्ट हो गया, इनर अपने पास क्या हो गया, नॉन पोलर पार्ट हो गया। प्रोटीन्स दो तरीके
तरीके के इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, और यहाँ पर प्रोटीन्स क्या करते रहते हैं इसके अंदर मूव करते रहते हैं, फ्लूइडिटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसीलिए क्या हो गया इसको हम लोगों ने बोला फ्लूइड मोजैक मॉडल। डन डन हो गया याद, चलो ठीक है ओके। तो ये हम लोग के पास सिंगर एंड निकोलसन का काम हो गया, डन चलो ओके। तो मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मेम्ब्रेन क्या होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ चीजों को सेलेक्ट, कुछ चीजों को तो जाने दे रही है, यस तू जा तू मत जा तू जा तू मत जा, तो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये तो तुम सबको पता है, सेलेक्टिवली कुछ चीजों को जाने देगी कुछ चीजों को नहीं जाने देगी। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ये सब चैप्टर अपन कहाँ पे पढ़ चुके हैं, पूरी प्लांट फिजियो अपन ने पढ़ ली, प्लांट फिजियो के अंदर आपको पता है एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिनको एनर्जी की वहाँ पर एटीपी की जरूरत अपने पास, अगर वाटर मूव कर रहा है तो ऑस्मोसिस, अगर एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो अपने पास क्या हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, क्या हो गया हम लोग के पास सोडियम पोटेशियम पंप। तो मेम्ब्रेन क्या होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, कुछ को बिना एनर्जी के जाने देती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, कुछ वाटर को अगर जाने देगी तो ऑस्मोसिस, ठीक है, अगर एनर्जी अपने पास क्या कर रही है वहां पर एटीपी एनर्जी वहां पर लग रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनए सोडियम एंड पोटेशियम पंप अपने पास यहां पर हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, बात कर ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो थी वॉल, अब उस वॉल के बारे में बात कर लेते हैं, वो तो वॉल है दीवार है स्ट्रक अपने पास क्या है सॉलिड होगा। तो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फंजाई एंड प्लांट्स, इतने पढ़े लिखे तुम हो, काइटिनस अपने पास फंजाई के अंदर होती है और सेल्युलोजिक अपने पास प्लांट्स के अंदर होती है। सेल वॉल दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फंजाई एंड द प्लांट्स, ये आप सभी लोग को पता है कि इनके अंदर ही सेल वॉल अपने पास प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल क्या करती है रिजिड स्ट्रक्चर अपने पास प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ शेप नहीं देती साथ में मैकेनिकल डैमेज से भी अपने को क्या करती है हेल्प करती है। सबसे बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल अपने पास है तो मैकेनिकल डैमेज से किसी भी तरीके का वॉल है दीवार है अपने घरों की दीवार क्या करती है अपने को सेल किसी भी तरीके के डैमेज से बचाने में हेल्प करती है। अपने पड़ोसियों से अपने को बात करनी हो सेल टू सेल इंट्रैक्शन अपने को करना हो एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी से बात करना हो तो उसमें भी सेल वॉल ही हेल्प करेगी अपने घर की दीवारें ही हेल्प करती हैं। और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स चोर वगैरह ना घुस जाए अपनी जिंदगी के अंदर अपने घर के अंदर उससे भी अपनी दीवारें बचाती हैं। तो अपना सेल कौन सा अलग है सेल के अंदर भी यही होगा। तो सेल क्या होता है नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, ये क्या होता है हम लोग के पास नॉन लिविंग एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी याद करवा चुकी हूं फंजाई के अंदर और प्लांट्स के अंदर। ये क्या करता है सिर्फ शेप नहीं देता है मैकेनिकल डैमेज से इंफेक्शन से बल्कि सेल टू सेल इंट्रैक्शन भी प्रोवाइड करता है, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल से भी हम लोगों को बचाता है। एल्गी जो है हम लोगों के पास उसके अंदर सेल्यूलोज गैलेक्टेंस मैनन्स कैल्शियम कार्बोनेट, अभी प्लांट किंगडम जब पढ़ाऊंगी ठीक है अभी जब प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी तो उस टाइम पे ये भी अपने पास हो जाएगा जो एल्गी है हैव सेल सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज गैलेक्टेंस मैनन्स वो सब वहां पर पढ़ा दूंगी राइट। तो इन प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज पैक्टिन्स एंड प्रोटीन, सभी लोगों को पता है प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज पैक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और अपनी जो एल्गी होती है उनके अंदर सेल्यूलोज गैलेक्टेंस मैनन्स कैल्शियम कार्बोनेट अपने पास यहाँ पर होते हैं। ये तो उसके अंदर कवर हो जाएगा आपका, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट अपन वही करेंगे डाइवर्सिटी। एक सेकंड का मौन व्रत धारण कीजिए सभी लोग, कभी ना कभी बदल जाएगा मौसम। करो स्टार्ट,
चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है? ओके, तो मिडल लैमिला इज द लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट. मिडल लैमिला एक लेयर होती है जो कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है. याद है अपन ने कैल्शियम के अंदर भी बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर कैल्शियम पैक्टेट के बारे में, जो कि क्या करता है, होल्ड्स एंड ग्लू डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर. कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम, अब दो चीज़ों को पैक करके रखना है, दो चीज़ों को पैक करके रखना है. ये दो चीज़ों को पैक करके अगर मुझे रखना है तो क्या करना पड़ेगा, नाम से ही पता चल रहा है बहुत इजीली, कैल्शियम पैक्टेट. कैल्शियम पैक्टेट क्या करेगा, उसको पैक करके रखेगा. तो मिडल लैमिला, एक बात बताओ तुम्हें, तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच में मुझे क्या बना के रखना है, जोड़ बनाना है तुम्हारे, तो तुम दोनों के बीच में एक मिडल लैमिला, एक मिडल लैमिला मुझे बनाना पड़ेगा. तो मिडल लैमिला अपने पास हो गया. दैट इज मेनली ऑफ, दैट इज अ लेयर मेनली ऑफ द कैल्शियम पैक्टेट. किसकी लेयर होती है, कैल्शियम पैक्टेट की, विच होल्ड्स एंड ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जो डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को साथ में जोड़ कर रखती है. नाम से ही पता चल रहा है कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट. चलो ठीक है जी. तो सेल वॉल एंड मिडल लैमेला में भी ट्रांसफर्स्ड बाय, उनके बीच में क्या हो सकते हैं, उनके बीच में अपने पास कुछ प्लाज्मोडेस्मेटा, अपने अपने पड़ोसियों के बीच में, ये हम अपना पड़ोसी का सेल है, चलो अपन बात ही कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा. ये क्या है, ये है तुम लोगों का पड़ोसियों का घर, ये है तुम्हारा घर. तो तुम्हारे बीच में क्या प्रेजेंट है, एक मिडल लैमिला तुम लोगों के पास यहाँ पर प्रेजेंट है. और ये क्या हो गया तुम लोगों के पास, मिडल लैमिला, दोनों के बीच में एक मिडल लैमिला अपने पास प्रेजेंट हो गया. दोनों को जोड़ कर रखा, किससे मिलकर, किससे बनी है, वो साफ साफ पता चल रहा है अपने पास. जोड़ के रखना है अगर तुम लोगों को तो किससे बनेगी, पैक करके रखना है तुम्हें, कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनेगी अपने पास. और बीच में तुम लोगों को कुछ लेना देना भी पड़ सकता है, तो अपन को कोई कनेक्शंस भी यहां पर रखने पड़ेंगे. तो क्या हो गया हम लोगों के पास, यहां पर जो कनेक्शंस तुम लोग रखोगे दोस विल बी प्लाज्मोडेस्मेटा, वो हो गए प्लाज्मोडेस्मेटा. ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारे पड़ोसी का घर, उन दोनों के बीच में मिडल लैमेला जो कि किससे है, कैल्शियम पैक्टेट से अपने पास यहाँ पर है. तो प्लाज्मोडेस्मेटा यहाँ पर हम लोगों के पास हो गए जो कि जोड़ कर रखेंगे. चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं. दैट इज द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. एंडो मेम्ब्रेन मतलब एंडो, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो अपने पास होता है उसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज होती हैं जो कि मिलकर, साथ में मिलकर एक सिस्टम की फॉर्मेशन करती हैं. एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की फॉर्मेशन करती हैं. मेम्ब्रेन के अंदर, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है जो कि मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है. चलो ठीक है, कौन कौन मिलकर काम कर रहे हैं, देखो जी, माइटोकॉन्ड्रिया अपना मेन होता है, अपना न्यूक्लियस जो है मेन होता है. उसके बाद जो नेक्स्ट चीजें आती हैं वो आती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल्स. यही चीजें आती हैं. माइटोकॉन्ड्रिया भी मेन है, उसको भी छोड़ दो. अपने पास यहाँ पर क्या है, हम लोगों के पास न्यूक्लियस है, वो भी मेन है. उसके अलावा क्या चीजें बची, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल्स. ये चीजें हम लोग के पास बची. तो ये सब मिलकर क्या कर रही है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है, एक सिस्टम अपने पास बना रही है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अपने पास यहाँ पर हो गया. तो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पर ऑक्सीजोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड. मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस के अलावा और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पर ऑक्सीजोम्स, इनका इनका फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते. तो इसीलिए ये एंडो मेम्ब्रेन पार्ट का फंक्शन नहीं बना रहे होते. अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, अभी तक हम बात करते आ रहे थे बाहर की मेम्ब्रेन्स के बारे में. ये अपने पास क्या थी, यहाँ पे हम लोग के पास बाहर की मेम्ब्रेन्स थी, वो मेम्ब्रेन थी. मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन हम लोग के पास क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर एक सिस्टम अपने पास यहाँ पर होता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. क्या होता है हम लोग के पास, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन के अंदर अपने पास हो गया. तो मेम्ब्रेन के अंदर अगर अपने पास यहां पर सिस्टम है तो उसके अंदर क्या क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सभी मिलकर कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं. ठीक है, दोनों क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ अपन काम करते हैं और ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोला जाता है मेम्ब्रेन के अंदर का सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिजोम्स वो कोऑर्डिनेटेड यहाँ पर नहीं होते हैं. तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पर ये बनाएंगे. तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो स्टडीज अपने पास हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, बस
बेसिकली यार काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ये वाला चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, सेल वाला चैप्टर आप सभी लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिकली हम कौन से, मेरे पास यहाँ पर टोटल 50 पेजेस हैं और 28th पेज पर मैं पहुँच चुकी हूँ। जो सेल वाला चैप्टर अपना हो, सेल साइकिल वाला चैप्टर होगा, वो चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा अपने पास होने वाला है। तो ये वाला चैप्टर हम लोग का दो पार्ट्स के अंदर होगा, ठीक है। तो एक घंटा हम लोगों को हो गया है, मुझे अभी याद आया कि मुझे इसको ख़त्म करना पड़ेगा। सेल वाला अपना हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम लोग कल कैरी ऑन करेंगे। ये नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को भेज दिए गए हैं, जिसका नाम है रक्षिता सिंह नाम से, ठीक है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ये वाले नोट्स बन रहे हैं, एक बार प्लीज़ आप लोग इन नोट्स को देखो और एक बार मुझे थोड़ा सा सजेशन तुम लोगों का चाहिए कि ऐसे नोट्स के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। देखो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली मैं ऐसे कर रही हूँ कि ये ऊपर क्या है हम लोगों के पास, यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा आपको, दिस इज एनसीईआरटी पूरी की पूरी एनसीईआरटी को मैंने क्या कर दिया है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी को मैंने पार्ट्स के अंदर कट कर दिया है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी को पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, पूरी एनसीईआरटी को कट कर दिया, इस पार्ट का जस्ट जो ये वाला पोर्शन है इसको हाईलाइट भी कर दिया, यहाँ पे जितनी भी मेन चीज़ें हैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट भी कर दी। हाईलाइट करने के बाद जस्ट इसी पार्ट का मैंने क्या कर दिया, नीचे नोट्स बना दिया, मतलब यहाँ एनसीईआरटी नीचे नोट्स। अब आगे देखोगे तुम लोग, देखो ये अपने पास क्या हो गया, एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के बाद उसके इसी पोर्शन के जस्ट नोट्स नीचे, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, इधर एनसीईआरटी, उसके जस्ट नोट्स, उसके जस्ट नीचे, ठीक है। ये अपने पास एनसीईआरटी हो गया, यहाँ पे ये एनसीईआरटी है, इसके नोट्स, फिर अपने पास ऐसे पूरा, मतलब इस एनसीईआरटी को मैंने नीचे नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, पूरी की पूरी एनसीईआरटी इसी फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, इस ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आप लोग को क्या लगता है कि मतलब क्या ये सही रहेगा, क्योंकि हम लोग को क्या होता है, हम लोग को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें चाहिए होता है नोट्स, साथ में हम लोग को क्या चाहिए होता है, साथ में हमें चाहिए होते हैं एनसीईआरटी भी कोई पढ़ा दे। तो एक ही लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी भी हो जाएगी, उसके नोट्स भी आपको उसके नीचे नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी इसी फॉर्मेट के अंदर फुल कन्वर्ट कर दिया, मज़ा आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा मैंने इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया, देख लो तुम लोग, सारा का सारा डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, सब चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोगों की आने वाली हैं, वो मैं तुम लोगों को 6-7 तारीख को, मे बी 7th of July मैं आप लोगों को बता दूंगी। बेसिकली क्या हुआ था यार कि यहाँ पे काफ़ी लोग जानते होंगे अनअकैडमी के ऊपर मैं पढ़ाती हूँ, तो अनअकैडमी के ऊपर थोड़ा सा मेरा बॉन्ड जो है वो चेंज किया जा रहा है, मतलब जितने भी हम लोग, मेरी टीम में जितने भी लोग थे उन लोगों को बोला जा रहा है दो उसके अंदर चले जाओ, या तो आप प्लस एडुकेटर बन जाओ या फिर आप एक ऐसा टीम में चले जाओ जो यूट्यूब वाली टीम है। तो प्लस एडुकेटर के अंदर तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मैं भी अभी नहीं बनना चाहती, तो प्लस एडुकेटर तो सब बनता है, ठीक है। प्लस का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं प्लस बनूं। और दूसरा चीज़ अपने पास है जिसके अंदर मुझे थोड़ा सब्सक्रिप्शन प्रमोट करने के लिए बोला गया ना, आप लोग को पता है कि मैं हमेशा से एक ही चीज़ के ऊपर रही हूँ कि मैं सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रमोट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अपना रिज़ाइन जो है वो अनअकैडमी के ऊपर डाल दिया है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ज़्यादा हाइप क्रिएट ना करें, और अनअकैडमी के लिए भी किसी भी तरीके से नेगेटिविटी क्रिएट ना करें किसी के लिए भी। अपन एक ही मोटो के ऊपर चलते हैं कि अपने को किसी के लिए नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करना है, अपने को अपने लिए पॉजिटिविटी रखना है, ठीक है, लेकिन किसी के लिए नेगेटिविटी अपने को क्रिएट नहीं करना है, डन। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का, और सभी लोग नेगेटिविटी ना क्रिएट करें। अगर अपना वो जो कंडीशंस होंगी, पर्टिकुलर जो भी कंडीशंस अपनी हैं वो मान ली गई, तो अपन वापस स्टार्ट कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अगर नहीं करेंगे, ठीक है, अगर नहीं मानेंगे, अगर यही बोलेंगे कि सब्सक्रिप्शन निकालो, तो सब्सक्रिप्शन अब 2 महीने पहले क्या सब्सक्रिप्शन निकालो यार, मतलब ये तो कम्प्लीटली वो हो गया ना, किसी को वो करने वाली बात, मिसगाइड करने वाली बात, समझ रहे हो ना तुम लोग। 2 महीने बचे हुए हैं, मैं कह दूँ सब्सक्रिप्शन लो, मिसगाइड वाली बात है, तो इसीलिए वो चीज़ अपन नहीं करेंगे। तो कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करेगा, और प्लीज़ सभी लोग फोकस के साथ काम करते रहें। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार बता देना, इन नोट्स के अलावा, इन नोट्स के अंदर आपका कोई और सजेशन हो तो, ताकि मैं उसको पढ़ते रहूं बाद में, ठीक है जी। ओके फाइन, बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप वॉकिंग, कीप हसलिंग, और कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है, ओके बाय।